हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है हमारा आज का क्वेश्चन? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? बोलता है कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिये क्या है इसका सोल्यूशन। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक यानी कंडक्टर, जैसे कि हम करंट को पास करने के लिए जो वायर यूज करते हैं, तो वायर ही आपका हो जाता है कंडक्टर। ठीक है, तो वे जो चालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं, उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब चालक के चारों ओर यानी कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जिसमें कि ये एक चुंबक है। तो ये जो चुंबक है इसमें मान लीजिए कि करंट पास हो रहा है। ठीक है, जब करंट पास होती है तो इसके चारों तरफ आपका एक फील्ड तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि इसमें करंट पास हो रहा है तो करंट के पास होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए इस चुंबक से नॉर्थ से शुरू होते हुए साउथ पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा घनी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी यहाँ पे ये ज्यादा प्रबल होता है, और दूर जाते जाते इसका प्रभाव जो है चुंबक का या चुंबकीय क्षेत्र का कम हो जाता है। तो यही है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी जब कोई विद्युत धारा किसी भी चालक से क्रॉस करेगी या पास होगी तो चालक के चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत प्रवाह के कारण होता है, इसलिए हम उसे बोलेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।